बर्फ में ना साइड में दीवार पे किसी कबूतर आके बैठा है, ये देखते हैं हम इसको पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते। आओ आओ दोस्त, मुझे तो नहीं लग रहा मुश्किल है, हो सकता उतर भी जाए। हमने थोड़ा बाजरा फेंका तो है, हम अपना कबूतर इधर ला के रखते हैं, हो सकता आ जाए उसको देख के। मगर हमारी मुर्गियां भी तो चले गई हैं, हमने रखा था कबूतर के लिए। चलो अंदर, चलो चलो अंदर दोस्त, हम देख तो रहे रख के, हो सकता आ जाइए। और दाना डालते हैं, आओ 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 आओ। दोस्तों असल में बराबर वाले कुछ है ना हमारे, वो इस कबूतर को उड़ाने के चक्कर में, वो देखें मैं आपको दिखाऊं, वो देखें वो उड़ाने के चक्कर में कि वहाँ से उड़ जाए और मेरे पास ना आई है। देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी ना ये देखें, ये किसी का कबूतर उड़ के आया था, ये हमारी छत पे आके बैठ गया था। देख रहे हैं कितनी दूर चले गया। और पड़ोसी है ना, बस उन्होंने पकड़ने के चक्कर में यहाँ से उड़ा दिया, वरना ये हमारे पास उतर गया था। ये देखें ये जा रहा। देख रहे हैं दोस्तों, चलिए खैर होती है। हमने यहाँ पर थोड़ा बाजरा भी डाला था, ये मुर्गियाँ खा रही अब हमारी। तो दोस्तों हम ना ये घास भी ले आए थे अपनी फिंचिस के लिए, अब ये ना तोड़ के डालेंगे। और देखें ये कबूतर ये उड़ रहे, देखें मगर ये उनके पास भी नहीं बैठ रहा, हमारे पास उतर जाता और बस इन्होंने ना भगा दिया कि इनकी टोली में बैठ जाएगा। हमने देखें यहाँ से उठा उठा के हम डाल लेते बाजरा ना। चलिए खैर दोस्तों, हमें क्या, हम तो कबूतरबाजी करते नहीं हैं, हम इनको खोल देते हैं अपने मुर्गों को। और दोस्तों आज पता है क्या सीन हुआ, आज हमारी डक ने 2 अंडे दिए। अब हमें समझ नहीं आ रहा है, आज उसने, कल उसने अंडा दिया नहीं था और आज उसने 2 अंडे कैसे दे दिए, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। और देखें हमारे पास तो दोनों मेल और फीमेल हैं, ये भी देखें, ऐसा भी नहीं कि दोनों फीमेल हों तो हमें पता हो कि भाई हाँ फीमेल है, 2 अंडे दे रही, हमारा ये मेल है और वो फीमेल है। और हमें समझ नहीं आ रहा कि 2 अंडे किसने दे दिए ये, अब पता नहीं क्या सीन हो, समझ नहीं आ रहा। कल अंडा नहीं दिया था हमारी डक ने और आज दिया, तो आज 2 अंडे, अब वो किसने दिए? और हमारी मुर्गियाँ तो कोई सी भी अंडे भी नहीं दे रही, ये वाली मुर्गी और ये मुर्गा ये तो प्यारे है, और ये बंद रहता पिंजरे में, ये बाहर अंडे दे नहीं सकता, इसको मैंने अभी अभी खोला आपके सामने, और डक ने हमारी 2 अंडे दे दिए। हमें खुद हैरत हो रही है हुआ क्या ये। और हम ना ये नेस्टिंग घास भी ले आए थे अपनी ना फिंचिस के लिए, अभी इसको ना खोल के और अपने फिंचिस के केज में डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखें कबूतर ना यहाँ पे फिर से आके बैठ गया, अब हम ना अपने ये वाले कबूतर को ले जाके बाहर रख देते हैं, हमें शीशे हमारी ये बाहर आ जाएगा। ये देख रहे हैं हम दाना वाना डालते हैं थोड़ा ना, अब हमारी पूरी कोशिश है कि आ जाएगा ये, क्योंकि उनकी भी कोशिश ख़त्म हो गई, उन्होंने अपने कबूतर उड़ाए थे। आओ 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 दोस्तों, ये हमारी मुर्गी कहाँ जाती है, चल अंदर। तो हमारी मुर्गियाँ भी तंग करती हैं, गेट बंद करते हैं ताकि मुर्गियाँ बाहर ना जाएं, सिर्फ दाना डालते हैं। बेचारे वो इतनी कोशिश कर रहे थे पड़ोसी हमारे, मगर नहीं आ सका, अब हम थोड़ी कोशिश कर लेते हमारे पास आ गया तो। हम जब तक ना अपनी ये घास डालते हैं फिंचिस को, हमने देखें सारी ना ये इसको अलग अलग कर दी है, अब अपनी फिंचिस को डाल लेते हैं। पहले ना इनका केज खोल लेते हैं, केज इनका बंद है, इनका केज, क्योंकि हमने तार लगाया हुआ ना कि बिल्ली वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ आके इनका केज खोले ना। तो दोस्तों हमने इसमें डाल दी इनके घास, अब देखते हैं लेके जाती हैं नहीं जाती, और तार इनका वापस बांध देते हैं। देख रहे हैं दोस्तों हंडिया तो खाली ही चले, अब इनको थोड़ी दूर छोड़ देते हैं परेशान ना हो, ताकि बाकी कबूतर देखें वो वहीं बैठा हुआ है, हो सकता आ जाए नीचे। नहीं तो अगर बराबर वाले हमारे जो पड़ोसी ना अभी वो छत पे होते हैं तो वो अब तक पकड़ लेते, वो है नहीं।
और हमने अपनी कैट को ना सुबह डाइट दे दी थी और इसने देखें फिर वो हरकत करी, चावल चावल छोड़ दिए और चिकन खा लिए। तो हम क्या करते हैं, चिकन चावल जो है ना अपने मुर्गियों को डाल देते हैं, इसने तो चावल खाया नहीं। चलो भाई आ जाओ मुर्गियों, हमारी मुर्गियां बड़े शौक से खाती हैं चावल। बाकी दोस्तों इनकी भी हमने सारी ना डाइट डाली हुई, इनको दाना वगैरह डाला हुआ, देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी हंडियाँ हैं तो अभी तो खाली नजर आ रही हैं सबकी। देख रहे हैं, और ये दोनों किसी को खाने ही नहीं देंगे। और दोस्तों माशाल्लाह दुम्बो को ना हमें 2-3 दिन हो गए और लहसुन डालते हुए, अब देखें माशाल्लाह ये पूरी इनकी खोर देख रहे हैं अब ये साफ है। तो अब हम ना इनको अभी लहसुन ही दे रहे हैं, इनको वंडा नहीं दे रहे, और मैं ना डेली इनको ना मसाला दे रहा हूँ। चटनी अभी एक दिन दी थी, अब चटनी इनको 2-3 दिन बाद फिर देंगे ताकि ना इनका हाजमा सेट रहे। तो दोस्तों मैं लहसुन तो इनका ले आया हूँ, एक तो हमारी मुर्गियाँ बड़ी तंग होती हैं भाई। चलो भाई देख रहे हैं दोस्तों अभी माशाल्लाह इनकी भूख थोड़ी सेट होने लगी है, देख रहे हैं। और वो देखें हमारे गिनी पिग पीछे से कैसा शोर कर रहे हैं। अभी यहाँ दोस्तों ये थोड़ा ही डाल देता हूँ मैं इनको, क्योंकि ना अभी लहसुन ख़त्म हो गया, नीचे से मुझे लाना पड़ेगा स्टॉक ना, यहाँ ऊपर ख़त्म हो गया, नीचे हमारा पड़ा हुआ है। तो हम गिनी पिग को डाल देते हैं, ये भी शोर कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको। माशाल्लाह ये भी शौक से खाएंगे, तो बाल्टी हटा देते हैं इतना तंग करने। और वो कबूतर देखें अभी तक वहीं बैठा हुआ है, ये देखें मुर्गा क्यों तो, अबे ये मुर्गी अंदर कैसे बंद हो गई भाई, जब भी तो ये तंग कर रहा है हमें, पता ही नहीं मुर्गी कहाँ से कहाँ हो गई अंदर। चलो आप ये मुर्गी अंदर होगी और हमने गेट बंद कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कबूतर ना अभी नीचे उतर गया था बराबर वालों की छत पे और फौरन वापस आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना कबूतर खोल के देखते हैं, अगर आ जाए तो हमने ना उसके ना पर भी काट दिए थे। देख लेते हैं दोस्तों हम खोल के, अगर आ गया तो ठीक है, ये लास्ट चांस है, क्योंकि वहाँ उतर गया तो समझ लें यहाँ भी उतर गया है भाई। आ जाओ भाई, और ये हमारा मुर्गा ना कबूतर को मार रहा है, तो हम देखते हैं दोस्तों ये आता या नहीं आता, क्योंकि हमने अपने कबूतर को तो उतार दिया। देख रहे हैं दोस्तों, और वो देख रहा है वहाँ उतर गया, यहाँ नहीं उतरा, हम बोल रहे थे वो यहाँ उतर गया और यहाँ उतरा ही। अब फिर दोबारा से इसको थोड़ा दाना वाना डाल के देख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम दाना ना, थोड़ा हम दाना कितना ज़ाया कर रहे हैं ना सिर्फ एक कबूतर पकड़ने के चक्कर में। देख रहे हैं दोस्तों अब ये फिर वहीं उतर रहा है, आओ 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 दोस्तों, उन्हीं की छत पर उतरे जा रहा है, हमारी छत पर पता नहीं क्यों नहीं उतर रहा, क्या मसला है इसके साथ, हमने इतना दाना भी ज़ाया कर दिया। देख रहे हैं दोस्त, तो अभी मैंने अपने दुम्बो को लहसुन तो डाल दिया था, अभी ये देखें इन्होंने इतना बहुत खाया और ये बचा दिया। अब जब तक ये वाला लहसुन ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब तक मैं इनको और नहीं डालूंगा, पहले ये ख़त्म करें पूरा फिर इनको डालूंगा। बाकी माशाल्लाह हमारी डक्स देख सकते हैं, और हमारी डक ने आज 2 अंडे कैसे दे दिए हमें खुद समझ नहीं आ रहा, ये वाला मेल है ये फीमेल है, 2 अंडे कहाँ से आ गए, हम खुद परेशान हैं दोस्तों, 2-2 अंडों का ये 2-2 अंडे कहाँ से आ गए आज। बाकी दोस्तों देखते हैं, कोई बात नहीं, खैर हो गए 2 अंडे आ गए तो क्या हो गया। तो दोस्तों माशाल्लाह हमारी फिंचिस ने ना घास ले जानी शुरू कर दी, देखें अभी मैं करीब नहीं जा रहा वरना वो भाग जाएंगी, वो देखें घास उठा उठा के ऊपर जा रहे हैं ये लोग माशाल्लाह। बस अब देखें फीमेल जो इस वाली हंडिया में जा रही है और मेल जो उस वाली हंडिया में जा रहा है फिंच का, अब देखते हैं दोस्तों कौन सी हंडिया में घोंसला बनाते हैं। और ये दूसरी वाली जो फिंच है ये अभी तक नहीं लेके गई घास, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी ले जाएंगी। बस दोस्तों दुआ करें जल्दी से हमारे फिंचेस और हमारे ये बजरीस अंडे दे दें ताकि हमारी कॉलोनी ना भर जाए फुल। तो मैंने अभी ना अपने दुम्बों को पानी वगैरह पिला दिया है, देख सकते हैं माशाल्लाह सब हमारे दुम्बे और हमारे पेट्स हमारे बर्ड सब ने खाना अपना अपना खा लिया है, देख सकते हैं। बाकी रैबिट भी माशाल्लाह सुकून से घूम रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी वीडियो, पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।